रिंकू के फोन की घंटी बजी। शाहरुख ने पूछा ऐसा सवाल, शर्म से लाल हो गए अलीगढ़ के लाल, बोले जी मैं शर्मा गया था। शाहरुख की बेटी सुहाना, खुद किंग खान, पत्नी गौरी खान, बेटा आर्यन, सबका सुपरस्टार बना रिंकू, बोले तो यूपी में रिंकू बा। एक रात पहले तक रिंकू सिंह की कहानी में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अब बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक रिंकू के साथ हर कोई अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहता है। कोई फोन कर रहा, कोई बात कर रहा, कोई रिंकू के साथ वाली फोटो सोशल मीडिया पे लगा रहा। इस बीच आधी रात को रिंकू के फोन पे घंटी बजी। फोन पे शाहरुख खान थे। रिंकू ने खुद बताया किंग खान ने क्या कहा, कैसे एक नए खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाते हैं, कैसे हिम्मत देते हैं। शाहरुख खान पहली बार नहीं बल्कि आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। हम रिंकू और शाहरुख की फोन पे हुई बातचीत सुनाएं। उसके पहले सुनाते हैं बेइज्जती के बदले सम्मान की कहानी। कपिल शर्मा शो हिट हो गया था। कपिल शर्मा खुद को स्टार मान चुके थे, यहीं से उन्हें पीने की लत लग गई। वो शो में जाने से पहले नशा करते, ऐसा रोज होता रहा। पर एक दिन शो पे शाहरुख खान को आना था, वो शो पर आ भी गए, सब कुछ ठीक था, पर कपिल शर्मा ने ज्यादा शराब पी ली थी और वो शो को होस्ट करने नहीं पहुंच पाए। शाहरुख खान घंटों तक इंतजार करते रहे और फिर शो से लौट जाते हैं। और जब कपिल शर्मा की नींद खुलती है, वो होश में आते हैं, तब पता चलता है शाहरुख खान लौट गए। बहुत बवाल मचा, अब काम नहीं मिलेगा, ऐसा कपिल शर्मा से कहा जाने लगा। पर शाहरुख खान ने जो किया वो सुनकर आपको अच्छा लगेगा। शाहरुख ने कपिल शर्मा से मुलाकात की, कपिल की गाड़ी में बैठकर ही तकरीबन एक घंटे तक समझाया। शाहरुख ने बताया कि जब आप हीरो बन जाते हैं, आपके चारों तरफ लोग आपसे जुड़ जाते हैं, तो उस वक्त आपको क्या नहीं करना होता। कपिल जानते हैं कि रिंकू हीरो बन चुका है, वो कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिससे उसका करियर दांव पे लग जाए। आईपीएल 2023 में कोलकाता की जीत में ये बहुत निर्भर करता है कि रिंकू कैसी बल्लेबाजी करता है। कल मैच कोलकाता लगभग हार चुकी थी, क्रिकेट कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि कोलकाता ने जीता हुआ मैच गंवा दिया और उस सिचुएशन में रिंकू ने बल्लेबाजी करके शाहरुख खान की टीम को जिता दिया। इसीलिए आधी रात को जब सब सो गए तब रिंकू के पास शाहरुख का फोन आया। रिंकू को समझाया होगा, बताया होगा हीरो बनने के बाद जुबान और पैर दोनों तेजी से फिसल जाते हैं। हालांकि रिंकू खुद कहते हैं जब खान का फोन आया तो उनसे क्या बातचीत हुई। मुझे शाहरुख खान सर का फोन आया, जैसे ही मैं कमरे में घुसा देखा फोन की घंटी बज रही थी। मुझसे कहा गया कि किंग खान आपसे बात करेंगे। मैं फोन पर आया, शाहरुख सर ने मुझसे बात की। उस वक्त मुझे शर्म आ रही थी, मुझे नहीं पता इतने बड़े आदमी से कैसे बात की जाती है। मेरी कुछ मिनट बातचीत हुई, उन्होंने फोन रख दिया। क्या बात हुई मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। शाहरुख खान की बेटी सुहाना पिछले दो मैच से लगातार देखी जा रही। कुछ ने सवाल खड़ा किया कि बेटी सुहाना हर मैच में आ रही है, फिर बेटा आर्यन कहाँ गायब है, शाहरुख की पत्नी गौरी खान कहाँ है, क्योंकि गौरी सिर्फ एक मैच में पहुंची, हालांकि उस मैच में शाहरुख नहीं पहुंचे थे। पिछले दो मैच में शाहरुख खान अपने मैनेजर और अपनी बेटी सुहाना के साथ मैच देखने जाते हैं। सुहाना न सिर्फ स्टेडियम में होती है बल्कि हर गेंद पर उनका रिएक्शन होता है। कल जब पांच गेंदों पर लगातार पांच छक्का देखा तो फिर सुहाना ने सोशल मीडिया पर दिल की बात लिख डाली। रिंकू की ये बात सुन लोगों को 24 घंटे पुरानी तस्वीर याद आ गई। ये तस्वीर देखिए, जब रिंकू सिंह को मंच पे बुलाया गया उनसे कमेंटेटर ने कहा कि सुहाना खान के बगल में खड़े हो जाएगी, लेकिन वो अपनी जगह से हिले ही नहीं। आखिर में सुहाना उनके बगल में आकर खड़ी हो गई। उसके बाद सुहाना ने रिंकू के लिए एक शानदार पोस्ट भी किया, उसमें रिंकू की तस्वीर के साथ लिखा अनरियल। खुद शाहरुख खान ने भी ट्वीट कर रिंकू माई बेबी लिखकर रिंकू को बधाई दी थी। पर कहते हैं सोशल मीडिया में बात से बधाई तक नहीं रुकती, हर किसी को अपने हिसाब से सोचने की आजादी है। आज दुनिया रिंकू की दीवानी है, विदेशी हीरोइन तक रिंकू की तारीफ कर रही है। खुद शाहरुख खान रिंकू को फोन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि रिंकू की किस्मत अचानक से बदल गई और अभी और ऊंचाइयों पर जाने वाली है। पर समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी से रिंकू की जाति और धर्म ढूंढने लगे। ये ट्वीट देखिए, ये भाई साहब खुद को पत्रकार कहते हैं लेकिन ये ट्विटर पे लिखते हैं कि मोहम्मद जिशान ने फ्री किट दिलवाई, कोचिंग के पैसे नहीं थे तो मसूद ने फ्री कोचिंग दिलवाई, पहला मौका शाहरुख ने दिया, पर कुछ सालों बाद रिंकू इस्लाम के खिलाफ ट्वीट करेंगे। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि कौन भारतीय क्रिकेटर है जो इस्लाम या किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, लेकिन लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे। किस्मत जिसकी बदली है उसके साथ किंग खान खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।